कोर्ट द्वारा बनाई गई मॉनिटरिंग कमेटी की नजर अब दिल्ली की पॉश मार्केट यानी कि खान मार्केट पर है। क्या कहते हैं यहाँ के लोग, मेरसा ट्रेडर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट संजीव मेहरा जी है। मेहरा जी, खान मार्केट पर सीलिंग की कार्रवाई को लेकर मॉनिटरिंग कमेटी ने आदेश दे दिए हैं, क्या आपको लगता है कि कितने जायज ये आदेश है, क्योंकि कन्वर्जन चार्ज की बात हो रही है यहाँ पर? देखिए, जब आप कन्वर्जन चार्ज की बात करते हैं तो खान मार्केट में जितने भी रेजिडेंशियल फ्लैट कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, 2011 में इसी मॉनिटरिंग कमेटी के आदेश पे सबने पे कर दिया था। तो अब मैं मानता हूँ कि अगर कोई इसको लेके कोई कार्रवाई की जाती है तो एक बेवजह नाजायज सी कार्रवाई। जो आप लोगों ने पे किया उसका कोई रिसिप्ट होगी, कुछ आपको ऐसा लेटर दिया होगा कि आप कन्वर्जन कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं? 2011 में जब एक NDMC को आदेश मिला था तो NDMC ने नोटिसेज निकाले थे, NDMC ने डिमांड निकाली थी 23 लाख रुपये की, तो उस समय सबने वो पेमेंट कर दी थी। और कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी जब हम लोग गए थे उसके खिलाफ, इस आदेश के खिलाफ, तो हाई कोर्ट ने भी तभी स्टे ग्रांट कर दी थी, क्योंकि ये कन्वर्जन जो है हाई कोर्ट के आदेशानुसार ही हुआ हुआ है। यहाँ पे पहले एक रेजिडेंशियल था तो यहाँ कमर्शियल एक्टिविटी जब शुरू हुई थी तो उस समय NDMC ने एक्शन लेने की कोशिश की थी, LNDO ने एक्शन लेने की कोशिश की थी, तो यहाँ के दुकानदार इस आदेश के खिलाफ कोर्ट गए तो कोर्ट ने एक ऑर्डर जो 2004 का ऑर्डर है उससे पूरा ये आदेश किया कि यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी अलाउ हो सकती है। तो नहीं, तो फिर दो बातें हो रही हैं, आप लोग कह रहे हैं कि कोर्ट की तरफ से अलाउ कर दिया गया है, मॉनिटरिंग कमेटी कह रही है कि जो फर्स्ट फ्लोर है वो इलीगल, वहाँ पे कई तरह से जो मिसयूज़ हो रहा है फर्स्ट फ्लोर का, इतना ही नहीं जो सेकंड फ्लोर है वो आधा बनाने की परमिशन है लेकिन कई शॉपकीपर ने उसको पूरा कवर कर रखा है। देखिए, ऐसा है कि दो बातें हैं, जो आज सुबह की न्यूज़ है वो कन्वर्जन को लेके है, तो उस पर मैं बिल्कुल आपको अवगत करा दूं कि हमारे यहाँ कन्वर्जन टोटली पेड अप है, तो मिसयूज़ कहना गलत होगा उसको। अब आपने दूसरा सवाल किया कि नाजायज़ या अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को लेके, तो आप मुझे बताइए कि आप इसका फैसला कैसे करेंगे, कोई क्या NDMC के पास स्टैंडर्ड प्लान तैयार है जिससे आप इसका मुआयना कर सकें कि ये अनऑथराइज है या नहीं है? अगर वो स्टैंडर्ड प्लान नहीं है तो किसी भी चीज़ को अनऑथराइज कहना थोड़ा सा नाजायज हो जाएगा। क्या इस, अगर ये जो सीलिंग की जो कार्यवाही है इसको आप लोग कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कोर्ट से हमें हरी झंडी मिली हुई है? देखिए, कोर्ट में ऑलरेडी मैटर लंबित है, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है और माननीय हाईकोर्ट में भी लंबित है, दोनों जगह ये लंबित है, तो इसको चैलेंज करने की बात ही नहीं रहती क्योंकि ऑलरेडी ये चैलेंज है। सुप्रीम कोर्ट में मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा केस लगाया गया था और जो हाई कोर्ट में है वो यहाँ के व्यापारियों द्वारा लगाया गया था, रेस्टोरेंट ओनर्स के द्वारा लगाया गया था, तो दोनों मामले अभी लंबित हैं, उसमें कोई भी कार्रवाई करना थोड़ा सा अटपटा सा है मेरे हिसाब से। ठीक, तो ट्रेडर एसोसिएशन के मुताबिक खान मार्केट के जो कन्वर्जन चार्जेस है वो पेड अप है, और इतना ही नहीं, इन लोगों का ये भी कहना है कि ये मामला अभी कोर्ट में लंबित है और इसलिए इस तरह की कार्रवाई यहाँ पे करना जायज़ नहीं है। कैमरामैन मनमोहन के साथ विनय सिंह, टोटल न्यूज़ दिल्ली।